नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SD24। मैं जयश्री पाटिल। सोशल मीडिया पर नहीं थम रहा है कांग्रेस का विरोध। लगातार नांदेड़ के सोशल मीडिया यूजर कांग्रेस की एक एक गलती उजागर करने में जी जान से जुटे हैं। उबेद बा हुसैन सामाजिक कार्यकर्ता ने चार शब्द लिखे जो 5 साल का इतिहास बता देते हैं। उन्होंने लिखा, 10% कमीशन का धंधा करने वाले नाली के गुत्तेदार ही कांग्रेस की हार के जिम्मेदार है। गुत्तेदारी पर इससे पहले भी कई सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस से अक्सर नगर सेवक गुत्तेदारी करते हैं। यह जब जाहिर है, वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रवक्ता फारूक अहमद ने भी इस विषय पर बहुत खिंचाई की थी। उसके साथ ही देगलूर नाका ट्रैफिक समस्या और चौराहे पर एक्सीडेंट में मारे गए 2 दर्जन से ज्यादा लोग, इस मसले पर भी कई बार सवाल उठे हैं। सवाल तो 10 साल से उठ रहे हैं, मगर समस्या आज भी वही है और सवाल भी वही है। अफसोस। मुस्लिम बहुल इलाका देगलूर नाका स्थित उर्दू घर भी काफी सालों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर कई सामाजिक संगठनों ने आवाज उठाई, लेकिन उर्दू घर कभी शराब का अड्डा, जानवरों का कोठा, कभी भूत बंगला बना रहा और आज भी है। इन सब मुद्दों को कांग्रेस ने जानबूझकर प्रलंबित रखा था, क्योंकि विधानसभा में इन्हीं को मुद्दा बनाकर वोट मांगा जा सके। ऐसी चर्चा तब शुरू हुई जब कल कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नगर सेवकों ने उर्दू घर का उद्घाटन करने की मांग एक निवेदन द्वारा की। और यहां भी बताया जा रहा है, 10 साल से नांदेड़ में कांग्रेस का ही राज है और 5 साल पहले जिन मुद्दों पर कांग्रेस ने वोट मांगे, फिर आज उसी मुद्दों पर वोट मांगने की तैयारी में है। हो कि महाराष्ट्र में 50 साल से लगभग कांग्रेस की ही सत्ता रही है, लेकिन मराठाओं ने 15 साल तक आरक्षण के लिए आंदोलन किया, तब जाकर उन्हें कुछ प्रतिशत आरक्षण मिला और कांग्रेस वहां भी टिका नहीं पाई। उनके बाद हाल ही में मराठा समुदाय को आरक्षण मिला। इसका मतलब नेता चाहे जिस भी पार्टी का हो, वह जनता का नहीं पार्टी का सेवक होता है, यह स्पष्ट है। इसीलिए हम बुद्धिजीवी लोगों का मानना है कि हमने व्यक्ति को वोट देना चाहिए, ना कि पार्टी को। व्यक्ति को वोट करेंगे तो व्यक्ति हमारा काम करेगा, पार्टी का नहीं। आज के दौर में SC ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, सबकी अपनी अपनी समस्या है और सारी जनता समस्याओं से घिरी हुई है। अब हमें बदलाव की जरूरत है। लगातार अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहे और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।